दोस्तों आज हम आ गए हैं चंडीगढ़ में चल रहे वंडर कार्निवल में। इसकी एंट्री की बात की जाए तो एंट्री के लिए आपको मात्र 50 रुपए पर हेड का टिकट खरीदना होता है और उसके बाद आप जितना समय चाहे अंदर रह सकते हैं। पार्किंग की बात की जाए तो पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस मेले की लोकेशन की बात की जाए तो ये मेला चंडीगढ़ के सेक्टर 34 फेयर ग्राउंड में लगता है। इस मेले के अंदर सबसे बड़ी खासियत है आपको विश्व प्रसिद्ध बिल्डिंग्स के थीम देखने के लिए इसमें मिल जाएंगे, चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो, फिर चाहे बुर्ज खलीफा, लंदन ब्रिज और कई सारे आपको यूनिक डिजाइन इस मेले के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको काफी बेहतरीन अनुभव देने वाले हैं अगर आप इस मेले में आते हैं। और एंट्री की बात की जाए तो इस मेले में आप लंदन ब्रिज के थ्रू एंट्री करते हैं, जो सच में काफी यूनिक रहता है। और जैसे ही आप एंट्री करके अंदर पहुंचते हैं, आपको इस तरह विभिन्न बिल्डिंग देखने को मिलती है, जो सच में काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। और बच्चे तो काफी खुश हो जाते हैं इस मेले में आने के बाद। सामने आपको डिज्नी की बिल्डिंग भी दिख रही है और आप देख सकते हैं एंट्री करते ही कितना आलीशान यहाँ पे हमें डिजाइन देखने के लिए मिल रहा है। तो इस तरह दोस्तों मेला काफी खूबसूरत है और इस मेले में आने के बाद काफी अच्छा लगता है। अगर आप चंडीगढ़ या चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मेले में जरूर आएं। इस मेले में आपको घर की डेकोरेशन से लेकर बच्चों के कपड़े, खुद के कपड़े और बच्चों के खेलने के लिए इस तरह के झूले दिख जाएंगे। ये मेला पूरी तरह एंटरटेनमेंट से भरा हुआ है, साथ ही यहाँ पे आपको खाने पीने के कई सारे स्टॉल भी दिख जाएंगे, जो आपकी खाने की नीड को भी पूरा कर देंगे। आप देख सकते हैं एक से बढ़कर एक यहाँ पर झूले लगाए गए हैं और बच्चों के लिए भी यहाँ पर कई सारे अरेंजमेंट किए गए हैं, जिसकी वजह से बच्चे यहाँ के काफी एंजॉय करने वाले हैं। अगर झूले के प्राइजेस की बात की जाए तो कोई झूला 50 रुपए 5 मिनट के लिए, कोई 60 रुपए, कोई 100 रुपए, इस तरह अलग अलग रेट है यहाँ पे झूलों के। इस तरह आप 100 रुपए में मैक्सिमम यहाँ पे सभी झूलों का मजा ले सकते हैं। मैं भी यहाँ पर अपने परिवार के साथ पहुँचा था और काफी अच्छा खासा यहाँ पे हमारा खर्चा हो गया, क्योंकि बच्चों को तो हर एक झूले पे झूलना होता है। लेकिन हाँ, बच्चों ने सच में काफी मजे किए और यहाँ आने के बाद हमें काफी मजा भी आया, क्योंकि बच्चे सच में काफी खुश हो गए थे। लेकिन बच्चों की जिद के चक्कर में कई सारी अननेसेसरी टॉय हमें यहाँ खरीदने पड़े, क्योंकि बच्चे जैसे ही कोई टॉय देख लेते हैं उनको वो टॉय चाहिए ही चाहिए, और साथ ही सभी झूलों पे बच्चे झूलना चाहते हैं, जिसकी वजह से कई बार रिस्क भी लगता है कि कहीं बच्चों के चोट ना लग जाए। साथ ही यहाँ पर आप अपने बच्चों को इस कार में भी घुमा सकते हैं। इस कार के लिए ये 50 रुपए 2 राउंड का चार्ज करते हैं। और ये जो आप झूला देख रहे हैं, इस झूले पे भी आप अपने बच्चों को बिठा सकते हैं। ये लोग 60 रुपए लेते हैं और लगभग 10 मिनट तक इस झूले पे झुलाते हैं। और यह भूत बंगला, इसके एंट्री के लिए 100 रुपए लेते हैं और यहाँ पे फ्री में डीजे सेट लगाया गया है, आप यहाँ पर नाच सकते हैं और यहाँ पर आपको पैसे भी नहीं देना है, फ्री में आप मजा ले सकते हैं डिस्को का यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे फन गेम्स बनाए गए हैं, बॉल फेंकिए, बंदूक मारिए और प्राइज जीतिए, इस तरह दोस्तों काफी गेम्स भी हैं यहाँ पे लालच वाले, जिनको खेलकर आप चीजें कमा सकते हैं, यानी कि अगर आप जीत गए तो आपको कोई ना कोई प्राइज मिलेगा। और यह है दोस्तों बंदूक, यहाँ पर आप बंदूक से निशान लगाइए और बच्चों के जंप के लिए आप देख सकते हैं इस तरह के यहाँ पे कई सारे सिस्टम लगाए गए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों के बाइक बैठने के लिए झूल सकते हैं बच्चे इस बाइक पे बैठकर। तो इस तरह यहाँ पर काफी कुछ अरेंजमेंट की गई है ताकि बच्चे पूरी तरह इस मेले को एंजॉय कर सकें। लेकिन माँ बाप को तो काफी धक्का लगता है जब वो मेले से बाहर निकलते हैं और देखते हैं यार 2000 रुपए उड़ गए। तो इस तरह इस मेले में अगर आप आते हैं तो आप एक चीज तो मान के चलिए, कम से कम भी नहीं तो अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो 1000 रुपए तो आपके जाएंगे ही जाएंगे। मेरे दोस्तों 1800 रुपए खर्च हो गए थे इस मेले में आने के बाद, लेकिन मजा काफी आया और हमने काफी एंजॉय किया। खाने पीने की बात की जाए तो यहाँ पर हमने मिर्च का पकौड़ा और मूंग की दाल के पकौड़े खाए थे, साथ में सॉफ्टी वगैरह खाई थी। मिर्च का पकौड़ा और मूंग की दाल के पकौड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, इसलिए आप यहाँ पे किसी भी चीज का ऑर्डर मत करना। बच्चों के लिए सॉफ्टी की बात करेंगे तो सॉफ्टी हमें 50 रुपए की मिली थी, लेकिन उसका टेस्ट काफी अच्छा था, आप सॉफ्टी ले सकते हैं। और पकौड़े की बात की जाए तो 50-50 रुपए की प्लेट मिली थी। अगर यहाँ पे आप कुछ खाना ही चाहते हैं तो इस मेले के बिल्कुल सामने सेक्टर 34 का बूथ मार्केट है, वहाँ पे एक तोसेव रेस्टोरेंट है, वहाँ से आप कुछ भी चाइनीज ऑर्डर कर लीजिएगा, आपको काफी मजा आने वाला है, काफी बेहतरीन रेस्टोरेंट है वो।